मध्य प्रदेश से पुणे आए अनीश और अश्विनी नामी दो इंजीनियर्स की एक 17 साल लड़के ने कार से एक्सीडेंट कर जान ले ली है। पुणे के रहने वाले एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद ने सिर्फ 17 साल की उम्र में 200 की स्पीड से कार चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दो लोगों की जान ली है। और हैरानी की बात तो यह है कि कोर्ट ने इस लड़के को सिर्फ 15 घंटों में बेल पर रिहा कर दिया है। पुलिस ने बताया यह लड़का 17 साल की उम्र में शराब पीता है और हमेशा से कार को तेज रफ्तार में चलाते हुए अय्याशी करते देखा गया है और इस लड़के की इसी हरकत की वजह से दो लोगों की जान चली गई है। पुलिस ने अदालत से गुजारिश कर कहा इस तरह के बिगड़े हुए लड़कों को माइनर होने के बावजूद अडल्ट की तरह सजा देनी चाहिए और 15 घंटों में मिली बेल के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की गई है। हर शहर की यही हालात है कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें कार हो या बाइक इतनी तेज रफ्तार से चलाते हैं कि जिसका खामियाजा सड़क पर चलने वाले दूसरों लोगों को भुगतना पड़ता है। गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए आप सभी से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर नजर रखें और इस तरह के लापरवाहियों से बचने की ताकीद करें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबाह नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2024 एडमिशन स्टार्टेड कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। मैं बहुत स्पष्ट कल भी कहा था आज भी कह रहा हूँ वापिस दोहरा रहा हूँ कि पुलिस ने डे वन से 304 आईपीसी का ऑफेंस रजिस्टर करने का बात हो या कोर्ट में जो हमने एडल्ट करके ट्रायल करने का बात हो या फादर और पप्स वालों पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुना दाखिल करने की कार्रवाई हो, पुलिस की भूमिका सख्त पहले दिन से शुरुआत से है। मैंने कल ये भी किया था कि मैं ओपन हमारा चैलेंज है कि कोई भी लीगल एक्सपर्ट का पैनल हमारे सामने आ जाए और इसमें कोई दूसरा मार्ग जो कि हमने जो भूमिका ली है उससे ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो सकता था, अगर कोई हमको सुझाए तो मैं उस चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं जवाबदारी के साथ कहता हूं कि लीगल प्रावधान में जो भी तरतूद है उसमें जो भी मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल जो मार्ग था वो पुलिस ने लिया है और उस मार्ग पे पुलिस चल रही है। किसी प्रकार की आरोप कोई करे कि पुलिस ये नहीं किया वो नहीं किया उसके बारे में मैं जवाब देने के लिए मैं उचित नहीं समझता, लेकिन मैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस ने लीगल एक्शन लिया है और प्रॉपर लीगल मार्ग पे चला है। फिर भी अगर किसी को कोई इसमें सुझाव है जरूर हमारे पास आए, मैं ऑफिस में हूं, मैं ऑनलाइन डिबेट में जाने को तैयार हूं एंड वी विल ट्राई एंड प्रूव टू ऑल कंसर्न ऑल स्टेक होल्डर्स वी हैव अडॉप्टेड द मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल अप्रोच एंड वी शैल डू वॉट एवर इज एट आर कमांड टू एंश्योर दैट द टू यंग लाइफ विच वर लॉस्ट गेट्स जस्टिस एंड द अक्यूज्ड गेट्स ड्यूली पनिश्ड। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2024 admission started. Contact and visit school for more details.